किधर है देखो जरा इधर चलो भैया हट चलो आगे से जाओ साइड 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 आज हमारी जो पार्टी का कार्यक्रम है बड़ा इसके प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू होकर और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक पार्टी ने सेवा से जुड़े रचनात्मक कार्य और देश के प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से जुड़े विषयों पर पूरा पखवाड़ा 15 दिन का हम लोग मना रहे हैं। पहले दिन 17 तारीख को रक्तदान से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और आज 27 तारीख में देश के प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन उनका और उनके लिए शुभकामनाएं संदेश जो लाभार्थी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जिनके जीवन में परिवर्तन आया है ऐसे हम लोग एक कार्यक्रम हमारा आज अभिनंदन पत्र शुभकामनाएं संदेश के माध्यम से हमारी पार्टी चुनावी मशीन नहीं है जी। हम लोग सेवा से के काम रचनात्मक काम और समाज के जुड़े सामाजिक विषयों पर भी हम लोग काम करते हैं और ये पूरा पखवाड़ा हमारा वृक्षारोपण से संबंधित जल से संबंधित कल बड़ा आयोजन था अपने पूरे सांस्कृतिक में विविधता अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कृति मानने वाले लोग उनकी हम लोग उनकी संस्कृति को अपनाएं उनके खान पान उनके रहने सहने को समझें। इस प्रकार के कार्यक्रम जो सेवा से जुड़े हैं और रचनात्मक कार्यक्रम में पार्टी ने डिजाइन किए हैं आज बिजनौर में कार्यक्रम है रामपुर में कार्यक्रम रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम में रहेंगे हम लोग सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनता से जुड़े विषय हैं सरकार की योजनाएं हैं वो नीचे जन जन तक कैसे पहुँचें अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को हम लोग लाभ में ले कैसे सम्मिलित करें हम लोग उसके उत्थान के लिए उसको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम सब लोगों का संकल्प है हमारी विचारधारा गरीब के लिए है और गरीब कल्याण के लिए। अध्यक्ष जी आप मुरादाबाद मंडल से हैं और मुरादाबाद मंडल के पीछे 6 की 6 सीट भैया कम बोल लो जरा गठबंधन को चली गई थी अगली बार 24 में आप सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं 80 की 80 तो आपके लिए अपने ही मंडल में चुनौती है। मुझे किसी क्षेत्र में ना बांधा जा मेरी पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के नाते अध्यक्ष बनाया मुझे काम दिया और मेरे लिए गर्व की बात है मैं क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है और भाजपा अब किसी जाति विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है जी बीजेपी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के फार्मूले पर आगे बढ़ रही है देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पूरे प्रदेश में लोकसभा 2019 में 64 सीटें भाजपा जीती थी 16 हार गई थी इसमें से 2 सीटें रामपुर और आजमगढ़ हम बाई इलेक्शन में जीते हैं 14 सीटें अब ऐसी हैं जो पिछली बार हम नहीं जीते थे। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी भी विशेष योजना बनाकर भारत सरकार के मंत्रियों को प्रभाग को भेज रही है और हम सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य के लोग भी एक विशेष कार्य योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश के प्रति जो मेरे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है उस विश्वास के आधार पर और सरकारों ने जो काम किए उन कामों के आधार पर हम लोग विशेष रणनीति बनाकर सारी सीटें लोकसभा की जीतेंगे ये संकल्प है हमारा। अध्यक्ष जी पश्चिम में सपा लोकदल का गठबंधन है और बहुत मजबूत गठबंधन है इसे आप कैसे ध्वस्त करेंगे?
ये नैरेटिव सेट किया गया है, आप लोगों को जमीनी सच्चाई समझनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जब चुनाव हुए तो पहले चरण की 58 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, और उस पहले चरण में जिले थे शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये जिले थे। ये किसके जिले हैं सब आपको पता हो। और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में सातों चरणों में अगर सर्वाधिक स्ट्राइक रेट से सीटें जीती हैं तो 56-58 सीटों में से 46 सीटें इसी में जीती। तो ये लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया है, ये सबसे ज़्यादा आंदोलन के प्रभाव वाला क्षेत्र भी है, सबसे ज़्यादा हमारी जो आबादी है ना उस इसी में आती है। तो आप इस रूप में मत देखो, सर्वाधिक सीटें जीती है बीजेपी। आप सारे चरणों का असेसमेंट करो,